यहाँ पर चने की सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी। देखिए 10 रुपए वाली चोकोबार आती है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? कोता बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। पापा जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने दिखाया नहीं क्योंकि मम्मी ने ना चूरी बनाई थी। मम्मी ना बहुत यम्मी बनाती है चूरी। जैसे कि गाइस, आपने कल हमने व्लॉग नहीं बनाया था और आज दादू अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं। दादू को अभी दूसरी जगह से दवाई दे दी है। दादू को ना किसी भी दवाई से असर नहीं पड़ रहा। तो अभी मम्मी ने सारा घर का काम कर लिया है, तो आ जाओ देखते हैं मम्मी अभी क्या कर रहे हैं। हेलो मम्मा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? चने भिगो रहे हो? चने भिगो रहे हो? ये भिगो के अच्छे बनते ना, तो भिगोने लग गया। पापा की फरमाइश, आज छोले चावल खाने हैं। बार क्या आज पता नहीं, संडे सैटरडे है। आज संडे है। संडे हर बार कहते हैं गाइस, संडे को चने नहीं बनाते, और मेरे को हर बार संडे को ही डुबू बोलते हैं चने बनाने के लिए, और मैं संडे को ही भिगोती हूँ। वैसे हम कोई ध्यान नहीं करते, बाबा जी बनाए थे सारे दिन को, है ना देखो। यस, तो आज हमारे घर पे डिनर पे बनने वाले हैं चने चावल। यस, लंच क्या करेंगे हम? घिया। कहीं तुम्हारा घिया ही नहीं खत्म हुआ, हमने खाने नहीं खाया, कितने भी हो रहा था कल। कोई नहीं, रख दिया खत्म। यस, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया ना, मैंने खाया ना, जप्पू ने खाया। पूरे 2 साल से घिया चल रहा है। 2 साल से घिया चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा घिया पड़ा हुआ, अब क्या बनाना, कुछ और। अन्न को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए ना देखो। मैं तो कोई सब्जी नहीं फेंकती आज, बाकी आप लोगों की सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, मैं कोई सब्जी नहीं फेंकती। तो हम उसी घिया के साथ ही जप्पू और मैं जो है लंच करेंगे। बस चने भी होके मैं जा रही हूँ नहाने के बाद मेरे को ट्यूशन भी पढ़ानी है। तो आज मैं फिर गर्म पानी से नहाया, कल भी गर्म। टंकी में इतना गर्म पानी होता ना, इतना उबला हुआ पानी होता ना, और एक टमाटर में पानी नहीं आ रहा। ऐसे लगता है जैसे गैस पे गर्म करके पानी रखो, क्या करे, मजबूरी है नहाना। तो मम्मी तो नहाए नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ गाइस। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं अभी करने लगा हूँ घी के साथ लंच। और मैं ना पहले ये रोटी पूरी गुच्छू मुच्छू रोटी खोल लेता हूँ, उसके ऊपर घी डाल देता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। वो स्वाद आता है ना, जो वो स्वाद आता है उसमें, ये तोड़ के ऐसे लगा के वो स्वाद नहीं आता जितना ऐसे पलट के आता है। ये देखो, खाने पीने के बाद आ चुका है रस्ता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और ट्यूशन भी पढ़ा चुकी हूँ, और टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। जैसे कि जप्पू ने आपको सुबह दिखाया ही था कि मैंने काले चने भिगोए थे, तो मैं अभी काले चने की सब्जी बनाने लगी हूँ। सब्जी बनाऊंगी और साथ साथ डुगू को पागल भी बनाऊंगी फोन करके। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं अपने काम पे, लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं। कितना डुगू को पागल में, वैसे वो बनते नहीं है पागल, लाइक मेरा उनका फर्स्ट बर्थडे था, तो मैंने उस बर्थडे पे ना उनको कुछ सरप्राइजेज देने की कोशिश करी थी। उस टाइम मेरी मतलब मई में मेरी शादी हुई थी, तो जुलाई में उनका फर्स्ट बर्थडे आया था। एक तो उनको सरप्राइजेज नहीं पसंद, वो पता क्या बोलेंगे, तुम हरलीन पैसे वेस्ट कर देती हो। तो मैं उनको सरप्राइज, उसके मैंने उनको फर्स्ट टाइम सरप्राइज दिया था, उसके बाद उनको कभी सरप्राइज दिया ही नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम बुके ऑर्डर किया, जो उनको सुबह सुबह विश करने के लिए घर पे आया वो बुके, उनको पता लग गया मैंने किया। मेरे को कहते क्या जरूरत थी इतनी पैसे वेस्ट करने की। उसके बाद मैंने उनके लिए केक बनवाया, मैं तिलक नगर गई थी केक बनवाने के लिए, तब हम शिवनगर में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे, तब उनको तभी पता लग गया तुम केक बनवाने गई हो। मैंने उनके लिए शर्ट परचेज करी, उनको तो भी पता लग गया कि मैं उनके लिए शर्ट, मतलब उनको कोई सरप्राइज, मतलब वो रहने ही नहीं देते, तो मैं उनको कोई सरप्राइज देती भी नहीं हूँ। तो अभी मैं उनको पागल बनाऊंगी, बनने वाले नहीं है, उनको सब समझ में आ जाती है एक ही बारी में। देखते हैं बनते हैं या नहीं बनते, साथ साथ मैं सब्जी बनाऊंगी, साथ साथ मैं उनको पागल भी बनाऊंगी, देखते हैं क्या होगा। तो अभी यहाँ पर काले चने जो हैं बॉईल हो चुके हैं, बॉईल कर लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मसाला भी बना लिया गया है। यहाँ इसके अंदर अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज की प्यूरी है, इसके अंदर टोमेटो की प्यूरी है, और यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, धुएं निकल रहे हैं, देख लो कितने ज्यादा। हाय राम, अगर इसके अंदर किसी का हाथ डल जाए तो उसका क्या हो, डलेगा क्यों, डालना ही क्यों है। तो गाइज, अभी मैंने सब्जी रख दी है बनने के लिए, एक बार मैं मसाला हिला भी आती हूँ जाके, कि इससे पहले मसाला लग ना जाए। मसाला हिला देती हूँ, उसके बाद लगाते हैं डुगू को फोन। सही में यार, सही हो गया ना, मसाला हिलाने आ गई। ओ
तो चलो ठीक है गाइज, अभी करते हैं डुगू को फोन। जप्पू पापा को पता क्या बोलना है, पापा को बोलना है कि हम पैसिफिक मॉल जा रहे हैं, मैंने कोई सामान लेना है, तो पापा को बोलते हैं कि पापा किसने आपने मैंने? मैं बोलूंगी, तू बोल दी, एक ही बात है, जो मर्जी बोले, देखते हैं क्या बोलेंगे पापा। ठीक है फोन कर दिया, इस बैल जा रही है। हेलो, हाँ जी क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ क्या होता है? हाँ जी बोला कर, मैं आपकी वाइफ हूँ। डुगू मैं ना पैसिफिक मॉल जा रही हूँ, मैंने ना कुछ सामान लेना अपना, तो आप मेरे को वहीं से ले लेना सीधा। क्यों डुगू पैसिफिक मॉल में? क्यों का क्या मतलब है? मैं अपना सामान नहीं लेने जा सकती? मम्मी का सामान है। डुगू पैसिफिक मॉल में ना वो जो मैंने लिपस्टिक लेनी है ना, उसका शेड पैसिफिक से ही मिलता है, बाहर मिलता ही नहीं है। डुगू ये क्या बात होती है? आप मेरे को सिर्फ यार तिलक नगर या फिर मेरे को गुड़िया के घर जाने था, तो ये कोई मतलब थोड़ा ना होता है यार। पैसिफिक यही पर कौन सा दूर है? डुगू ये कोई मतलब नहीं है। डुगू आप हमेशा ही ऐसे करते हो यार, कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस देख लिया आपने, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। देख लिया गाइस आपने, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं, मतलब मेरे को कहीं जाने की काट रहे हो, मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं है, अकेले तो मैं कहीं नहीं जा सकती। बताओ कह रहे तिलक नगर से ले लो जाके, ये कोई सीन होता है? बताओ अब यार, मैं तिलक नगर से लूँ या पैसिफिक से लूँ, मतलब इनको ये है कि सिर्फ तिलक नगर अकेले चली जाए, अपनी सिस्टर के घर अकेले चली जाए, और कहीं जाना नहीं है इसको अकेले। ये क्या मतलब होता सच्ची में? देख लिया पागल बनाने की चली थी, वो भी नहीं बना पाई, उनको कोई पागल नहीं बना सकता, उन्होंने सीधा कोरा ही जवाब देना होता, नहीं का मतलब नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, और मैंने इसके ऊपर सूखे मसाले डाल दिए हैं, आप देख सकते हो, इन सबको मैं करने लगी हूँ मिक्स। हसी दिल ते तेरा ना लिखिया, लोकी लिख देने बाते, गल कर ले सच्चे रब नाले। इसको दो मिनट पहले रहने देती हूँ। यार इंस्टा पे जो जो लोग मेरे साथ ऐड है वो सब मेरे से पूछते हैं कि मैं इतनी सैड स्टोरीज क्यों डालती हूँ। मैं इतनी सैड स्टोरीज इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो मेरे को पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि सैड सॉन्ग सुन के ना माइंड रिलीफ होता है, मतलब माइंड बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है, मतलब अंदर एक अलग सा ही सुकून मिलता है। मुझे ऐसे लगता है सैड सॉन्ग्स के अंदर जो ठहराव है ना वो इतने धूमछूम वाले गानों में नहीं है। मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, सैड शायरियाँ, रोने वाली, पिटने वाली, ये सब मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरी लाइकिंग है, इसलिए मैं डालती हूँ। अदरवाइज और ऐसा कुछ नहीं, आप लोग प्लीज़ कुछ भी नेगेटिव मत सोचा करो, मैं हूँ ही ऐसी, मैं वैसे खुश हूँ, हैप्पी हूँ, देख सकते हो आप, मेरे को कुछ नहीं है, बस मेरे को वैसे सॉन्ग्स पसंद है तो मैं वैसे ही डालती हूँ। तो अभी मसाला भूनकर हो चुका है रेडी, इसको मैं ऐड करने लगी हूँ ब्लैक चनों के अंदर, उसके बाद सब्जी बनने रख दूंगी। लोग क्या करते हैं, मैंने सुना है कि चनों के अंदर मसाला ऐसे डाल के और उसको एक उपाला दिलवाया और बन गई सब्जी, मैं तो ऐसे नहीं बनाती, मुझे तो ऐसा लगता मसाला कच्चा है। चनों के अंदर मैं मसाला डाल के उसके बाद दो सीटी दिलवा के उसको कम से कम भी आधा घंटा सिम पे रख के उसके बाद मैं सब्जी बंद करती हूँ, तब बनती है सब्जी, मेरे को जो अच्छी लगती है। बाकी हर किसी का बनाने का अपना अपना वे है, मुझे सब्जी ऐसे अच्छी लगती है तो मैं ऐसे बनाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे मसाला डाल दो उसके बाद उबाला दिलवा दो तो मसाला कच्चा ही है उसके अंदर। तो गाइज अभी मैं लेटे लेटे खा रही हूँ बीज, बीजों की डिब्बी में साथ लेके बैठती हूँ। पता नहीं, पता जब बीज खत्म हो जाते हैं ना उसके बाद ना मेरे को हफ्ता 10 दिन तो इतना ज्यादा मतलब दिमाग खराब होता ना मेरा कि बीज है नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं बीज खा खा के ना। ये देखो मेरे लिप्स भी जो है वो फटने लग गए, और मतलब मेरा जो मुंह है ना वो भी अंदर से ऐसे लग रहा है छाले हो गया। बीज गर्म कितने होते हैं, फिर भी मैं खाती रहती हूँ, सब मुझे मना करते हैं मत खाया कर मत खाया कर, गर्मी हो जाएगी, फिर भी मैं खाती हूँ। पता नहीं बीजों का जो टेस्ट है ना वो एक बार मुँह पे लग जाता ना फिर वो उतरता नहीं है। तो अभी टाइम भी हो चुका है 8:25, डुगू भी आने वाले हैं, अभी मैं उनको बोल रही थी राउंड मारने चले, घर पे बैठ बैठ के ना पूरा दिन बोर हो जाते जब पूर्व में, तो ये था कि चलो नीचे से राउंड मार आते हैं जाके, आदत जो पड़ी हुई है डुगू ने ऐसी आदत डाली हुई है हमको, तो कहते नहीं खुद का मन होएगा तो नीचे बुला लेंगे आ जाओ, जब हम बोलते ना तब नहीं। हमने कौन सी मूवी देखनी है तुम दोनों ने?
जपने कौन सी मूवी देखनी है तुम दोनों ने? भूत वाली फिल्में देखते हैं। इनको मैंने कितनी बार बोला मेरे को डर लगता है, मत देखा करो, जान जान के भूत वाली फिल्में देखते हैं ये। कल ट्रिपल आर देखी थी, पता नहीं वो इतनी हिट होगी फिल्म, मेरे को समझ आई लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी। एक मिनट में घर टूट गया, क्लियरली देख के पता लग रहा था कि वो थर्माकोल से बना हुआ है बिल्कुल साफ, पता नहीं मतलब क्या ही बोलूं मैं, अपना अपना सबकी चॉइस है। मेरे को तो नहीं अच्छी, ठीक थी, नॉर्मल ही थी, इतनी हिट गई वो, इतनी हिट होने वाली भी नहीं थी, एवरेज में थी। चलो कोई बात, हाँ आग कट गई हाँ बताओ, चलो कोई ना, अपनी अभी चॉइस है हर किसी की। और तो, इतनी वायरल है मूवी, हाँ इतनी ज्यादा फेमस होगी, पता नहीं मतलब मेरे को समझ नहीं आया उसमें था क्या। ऐसे तीर कभी वो इसको सांप काट गया, उसे जड़ी बूटी लगा दी, वो दो मिनट में सही हो गया। हाँ। उसके बाद फिर शेर काटा, फिर वो बीमार हो, फिर जड़ी बूटी लिया, वो फिर दो मिनट में सही हो गया। क्या लॉजिक है? इससे क्वेश्चन सुनूंगा, इसको क्वेश्चन नहीं आते होंगे। मूवीज तो इसको टिप्स पे रट जाती है, सॉन्ग्स इसको टिप्स पे रट जाते हैं, वीडियोज इसको टिप्स पे आती है, पढ़ना नहीं आता इसको टिप्स पे, बस मजाक करूँ चला गया, पढ़ भी लेता। तो चलो ठीक है, कल मिलती हूँ अभी आपसे, डुगू के आने के बाद उनको मिलवाते हैं आपसे, पूछते हैं क्या करके आए हैं पूरा दिन। आज मैं लाइव में बैठती हूँ, मेरे को लाइव नहीं होने देते, लाइव में आके सब मेरे को मतलब मेरे को कोई बोल देता है कि दी आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो बोलेंगे कि फिल्टर का कमाल है। अब सबको पता ही है यार फिल्टर लगते ही है इंस्टा पे, तो बंदा बिना इंस्टा के ना तो फिल्टर, बिना फिल्टर के ना तो इंस्टा पे वीडियो बनाता ना ही लाइव पे बैठता है, मतलब वही ना जान के मेरे को सामने से वो दिखाना कि मैं फिल्टर लगा के आई हूँ। गाइस अभी बेल बज चुकी है, इसको मतलब पापा आ गए हैं, तो अभी खोल के बाहर दरवाजा, आ गए हैं पापा अभी सामान के साथ। क्या क्या लेके आए हो? राइस। हाँ और जलजीरा, बूंदी और तो देख ले मेरे सांस चढ़ गया। बस ये लेके आए हो? आइसक्रीम तेरे लिए। हाँ आइसक्रीम भी तो लाए हैं पापा, मैं देख ही रही, बाद में खाएंगे। ओके तो अभी यहाँ पर चने की सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी, ये देखो काले छोलों की सब्जी, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, ऐसी मेरे को मतलब हमें ऐसी अच्छी लगती है। और यहाँ पे राइस भी बना लिया मैंने, और यहाँ पे जलजीरा भी बना लिया है, चिल्ड चिल्ड जलजीरा। हमें तो गाइस लंच डिनर के साथ कुछ ना कुछ पीने को चाहिए ही चाहिए, बिना कुछ साथ में अगर पीने को ना हो ना रोटी अंदर ही नहीं जाती हम लोगों की तो। और डुगू और जप्पू दोनों शुरू हो गए हैं मूवी देखनी, और मैं किचन में हूँ, और इनको अच्छे से पता मुझे भूतों वाली मूवी से डर लगता है, फिर भी ये लोग जान के देखते हैं। दोनों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है, मुझे समझ नहीं आती, डुगू को तो मानो आया ही आया, जप्पू को पता नहीं यार क्या इंटरेस्ट आता है, इतना छोटा सा बच्चा इसको भूतों वाली मूवीज देखनी है, पता नहीं कैसा है भाई ये। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ अभी आपसे डिनर के टाइम पे, डिनर दिखा दूंगी, लगाती हूँ डिनर, उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी आना है घर पे, तो चलो ठीक है फ्रेंड्स डिनर कर लिए फटाफट, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी डिनर लग चुका है, छोले चावल जलजीरा जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और यहाँ पे डिनर रेडी करने लगे हैं। यम्मी यम्मी इंटा मेरे साथ में केजीएम भी चल चुकी है। तुम्हें तो रोज फिल्में देखने की पड़ गई है ना, रोज तुमने फिल्में देखनी है। सच्ची बताओ ये ना हमें फ्री में मिला है, 30 डेज का ना फ्री में मिलते थे, हमने चलाया प्राइम वीडियो को, पहले दिन चलाते थे खत्म हो गया था। एसी भी चला लिया करो रोटी खाने वाले, गर्मी लग रही है, एसी चला। तो गाइस अभी डिनर हो चुका है और अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, मैं थोड़ी सी खा चुकी थी, भूल गई थी व्लॉग में दिखानी, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी चॉइस चलती है कि हम ये वाली लेंगे ये वाली लेंगे, जब हम घर बैठते तो ये 10 रुपए वाली चोकोबार आती है ये देखो मेरी ड्रेस के साथ भी मैच है, तो 10 रुपए वाली चोकोबार ही मिली है, यही मिलेगी खाने को, तो अभी हम कर रहे हैं आइसक्रीम एंजॉय। तो चलो ठीक है गाइस, अभी हम खा पी के हो चुके हैं फ्री, और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, सोएंगे नहीं अभी, मेरी सिस्टर आएगी उससे बातें करेंगे और ये दोनों मूवी देखेंगे। तो चलो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग देखी था, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन, टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.